जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पाल्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 54 इयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इस साल ये 10वें महीने में 54 इयर्स ओल्ड के हो जाएंगे, इसीलिए इनकी आयु लगभग हम लोग 54 ही मान के चलेंगे। इनकी पाम आपको देख कर लग रहा होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पाम है। कई सारे जो शुभ साइन हमें चाहिए होते हैं इस वाली पाम में आपको सारे के सारे ही देखने के लिए मिलेंगे। साथ में यहाँ पर भी देखेंगे तो स्क्वायर का साइन है। सूर्य पर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे यहाँ पर भी स्क्वायर के प्रोटेक्टेड साइन है। एक फिश की सिंबल भी ऊपर इस तरीके से बन रही है। तो अभी हम सारी चीज़ों को बताएंगे। एक बार चलिए इनके हम लोग पहले प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला, आगे का समय स्वास्थ्य सुख और धन के लिए कैसा है? तो इसको चेक करना है कि आगे का समय जो है इनके लिए कैसा रहेगा। संतान कैसी रहेगी, हमारे संबंध कैसे रहेंगे, तो संबंधों को भी हम बिल्कुल चेक करेंगे। वृद्धावस्था कैसी रहेगी, क्या नौकरी छोड़ने का योग है, अध्यात्म में आगे बढ़ने की क्या संभावना है, तो इसको भी चेक करेंगे। हेल्थ का क्वेश्चन इनका हम चलिए पहले ले लेते हैं। देखिए, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि अगर आप कभी हेल्थ चेक करें तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जीवन रेखा ही ना देखें। बहुत सारे लोग जीवन रेखा ही खाली देख लेते हैं, नहीं, आपको हृदय रेखा भी देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हृदय रेखा को हम लोग चेक कर लें। ये वाली जो रेखा, ये आपकी हृदय रेखा कहलाती है। अगर हम हृदय रेखा को देखें आपकी, तो हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, बनावट में ठीक ठाक है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें से कई सारी रेखाएँ नीचे जा रही हैं। नीचे जब जाती हैं तो किसी के साथ अच्छा करने के बावजूद भी जो क्रेडिट होता है वो हमेशा निगेटिव आता है। फीडबैक कह लीजिए निगेटिव आए, क्रेडिट कह लीजिए निगेटिव आए, और चाहे किसी के लिए भी अच्छा करें, खुद के भाई बहनों और सगे संबंधियों के लिए भी अगर आप अच्छा करोगे तो उनसे दिल ही दुखेगा, इमोशनल सेटबैक वो आपको उल्टा देंगे। ऐसा मैंने किस लिए कहा, एक तो इंडिकेशन ये हो गई, दूसरी इंडिकेशन हमें यहाँ से इस वाली उंगली से मिलती है। इसको मैं हटा के यहाँ पर थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये आपका गांठ है, ठीक है, इतना बात आया आपको समझ में। इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो ये निगेटिव रेखा है, इसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। ये जब भी इस तरीके से यहाँ पर अगर निगेटिव रेखा आ जाती है ना, इसको कहते हैं कि लाइफ में किसी के साथ आप कितना भी अच्छा करो, घर वालों के भी साथ अच्छा करो, तो बदले में निगेटिव फीडबैक आता है, उल्टा वो आपका दिल दुखा देंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ से समझ में आता है। अच्छी बात है कि आप उन चीज़ों को उतना माइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं माइंड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव रेखा है। तो ऐसे लोग अच्छा करने के बावजूद भूल जाते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, इस तरीके की नेचर रहती है। तो यहाँ से हम देखें तो हृदय रेखा में आपके बाकी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, तो हार्ट से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीज़ नहीं है, लेकिन हल्का सा यहाँ पर आपको एक यव का साइन देखने में मिलेगा। विवाह रेखा के अगर ठीक नीचे अगर यव का साइन थोड़ा सा आ जाती है तो ये दिखाता है कि हो सकती है आपके वाइफ को थोड़ा सा इस तरीके का चिंता हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, छोटा मोटा सबके साथ में होता है। अच्छी बात है, यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल का साइन भी देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, नॉमिनल सा साइन है। तो अगर ये ऊपर एक पॉजिटिव हो उसके साथ में यहाँ पर निगेटिव साइन इस तरीके से बने तो असर जो होती है काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती है। बाद में कि आपकी हृदय रेखा अच्छी, तो ऐसे लोग दिल से अच्छे होते हैं, कोमल होते हैं, साथ में कुछ रेखाएं नीचे जा रही हैं, बस ये आपको प्रॉब्लम करेगा कि इमोशनल सेटबैक देगा लाइफ में, जिनसे आप उम्मीद रखोगे वही जो है दिल दुखा करके जाएंगे, बस इतना प्रॉब्लम आएगा, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। अब अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा में एक यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपकी जीवन रेखा आ रही थी अच्छे से, ये यहाँ तक आ गई, इसके बाद में एक यहाँ से ऐसे चली गई, इसने एक ट्रायंगल का साइन यहाँ पे बना दिया, अनदर ट्रायंगल का साइन ये आपको यहाँ पर बनते हुए दिखेगा। तो ऐसे लोगों की फॉरेन की कनेक्शन भी होनी चाहिए। अगर आप MNC टाइप में काम करें, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, या फॉरेन की यात्रा करने का सोच रहे हैं, टूर सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की फॉरेन की कनेक्शन किसी भी तरीके से रहे, लेकिन फॉरेन की कनेक्शन रहती है, ये तो अच्छी बात हो गई। यहाँ से अगर आप एक रेखा ही देखोगे ना तो एक इस तरीके से एक दीप का निशान यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से। तो ये अभी जो आपकी उम्र चल रही है लगभग 54 के आसपास में, तो अगर अभी आप हेल्दी हैं तो उसमें फिर ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? मंगल रेखा अच्छा आ रहा है। मंगल रेखा जब अच्छा होता है तो कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड बड़ा मेजर इश्यूज नहीं क्रिएट होता है। ये बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही आपकी आयु लगभग 57 के आसपास पहुँचे, बस उसके बाद में इसका योग अपने आप ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से जीवन रेखा स्मूथ है आपकी, हेल्दी ही लाइफ आप लीड करेंगे। उसके बाद में ये आपको आएगा प्रॉब्लम लगभग 62 के आसपास में। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सर्कल का साइन है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ये 62 पे आपको अपनी बस ध्यान रखनी होगी, उसके आगे कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं दिखाई देती है। थोड़ा सा हम आपके पूरा ओवरऑल पहले हम पाम देख लेते हैं, फिर एक एक करके आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देते जाएंगे। देखिए, अगर हम आपका पाम देखें तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है, पिंक कलर की पाम रहती है, पाम में चमक है, तो ये धन को अट्रैक्ट करने वाला रहता है। ऐसे लोगों के पास में पैसे रहते हैं, सबसे अच्छी बात यही होती है। दूसरा, अगर हम आपके पाम की थोड़ी सी शेप की बात करें तो ये जो आपकी पाम की शेप आ रही है ये एक रेक्टेंगुलर पाम है। रेक्टेंगुलर पाम वालों की क्या खास बात होती है, इनकी मस्तिष्क रेखा लंबी होती है। ये लोग कुर्सी पर बैठ करके काम करना पसंद करते हैं, चेयर पर बैठ करके काम करना पसंद करते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है रेक्टेंगुलर पाम वालों के साथ में, कि ऐसे लोग मानसिक रूप से ही काम करने के लिए बने होते हैं, तो उसी तरीके की काम ये करते भी हैं अपनी लाइफ में, और उसी में ही इनको ज़्यादा लाभ भी देखने के लिए मिलता है।
अब अगर हम आपके पाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा फिंगर्स की बात करें, तो ये आपकी टोटल लेंथ फिंगर्स की है, ये आपकी है टोटल लेंथ पाम की। अगर हम आपकी फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो फिंगर्स लगभग लगभग ठीक है, पाम के कंपैरिजन में फिंगर्स हल्की सी छोटी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अनुभव के साथ में आगे बढ़ते हैं। क्विक डिसीजन अगर आप लेते हैं तो एबिलिटी होती है क्विक डिसीजन लेने की, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय कभी मत लीजिएगा, वहाँ पर नुकसान हो जाता है। थोड़ा सा आपके फिंगर्स की बात करेंगे, यहाँ पे निगेटिव रेखा है, तो घर में यूजलेस चीज़ें ज़्यादा होती हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती हैं। आप अपने घर का पहले बात तो पश्चिम का कोना, उसके बाद में उत्तर का कोना, दोनों कोने आप साफ़ कीजिए, वहाँ से आपको थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से अगर हम देखें तो लगभग लिटिल फिंगर सूर्य के फर्स्ट फैलेंज तक आ रही है, 1-2 मिलीमीटर का गैप हो जाए उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं तो 1000 लोगों के सामने भी ऐसे लोग अपनी बात को आसानी से रख पाते हैं, वहाँ पर दिक्कत नहीं आती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे गैप देखने को मिलेगा, तो ऐसे लोग सुनते सबकी हैं, थोड़ा सा करते अपने मन की हैं या अपने दिल की ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो सूर्य की फिंगर भी सीधी है, तो ऐसे लोग लाइफ में पैसों से ज़्यादा रिस्पेक्ट को महत्व देते हैं, पैसे बहुत बाद में आते हैं लेकिन इन ऐसे लोगों के लिए इज्जत जो है वो सबसे पहले आती है। यहाँ से अगर आप देखें ना तो सूर्य की फिंगर आपकी लंबी भी है बृहस्पति की, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है बनाने में, एक मिनट, ये देखिए इस तरीके से जा रही, तो जब भी बृहस्पति की फिंगर सूर्य की फिंगर से हल्की 1-2 मिलीमीटर ही लंबी है, उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, ऐसे लोग ज़िंदगी में रिस्क भी लेते हैं। अब अगर हम इनकी बात करें बृहस्पति की फिंगर की, तो ये आपको थोड़ी सा टेढ़ी दिखाई देगी, टेढ़ी होती है तो अपने से जो अंडर में लोग होते हैं इनके अंडर में अगर 10 से 15 लोग भी काम करने के लिए दे दिए जाएँ तो वहाँ से आसानी से आप काम करा पाओगे, ये लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ा देता है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी अच्छी रखेगा, वहाँ पर से आपको कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो एक निगेटिव रेखा है, इसको मैं वरोष्ट मानता हूँ, अच्छा बिल्कुल भी नहीं मानता, इसको मैं थर्ड क्लास की रेखा मानता हूँ। ये क्या काम करेगा, आपको ज़िंदगी में जिसके लिए अच्छा करोगे वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या तो फिर वही पर्टिकुलर वही इंसान आपका दिल लाइफ में जरूर दुखाएगा, 100% दुखाता है, किए हुए काम का ऐसे लोगों को क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाता है तो उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा कि आपके कारण हो गया। अब अगर हम यहाँ से सैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव रेखा है, तो ये दिखाता है कि अगर आप कोई काम शुरू करते हैं तो वो एक बार में नहीं होती है, जब तक उसी काम के लिए 2-3 बार दौड़े नहीं या कुछ ना कुछ भूल जाना, कुछ लगा रहना, तो ऐसा भी समझ में आता है। कुछ कुछ नेगेटिव रेखा यहाँ भी हैं, तो कुछ ना कुछ माहौल ऐसा ही बन जाता है जहाँ पर काम थोड़ी सी एक बार में होने में प्रॉब्लम आती है। अच्छी बात है सभी फिंगर्स पर पॉजिटिव रेखाएं हैं, तो ऐसे लोग हर तरीके के माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर नहीं होते हैं, हर तरीके के माहौल में ऐसे लोग एडजस्ट हो जाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। अब बात करेंगे आपके अंगूठे की, अंगूठे पर देखिए मुझे थोड़े से अच्छे इंडिकेशन नहीं मिले इसको, ये देखिए ये दिखाता है भी आपके मन में कोई ना कोई चीज़ है जो आपको परेशान करती है, या तो फिर ये खर्चे आपके बहुत होंगे, आपकी कमाई अच्छी है इसमें नो डाउट है, लेकिन खर्चे भी बहुत हैं। ये रेखाएं जब इतनी सारी रहती हैं, आपने ये बातें मुझे बताई नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से आपका हाथ देखकर मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि कुछ ना कुछ मन में लगा रहता है, जैसे कुछ द्वंद चलना मन में, कुछ चीज़ चाहते हैं कम्प्लीट होना वो नहीं हो रहा है, साथ में किसी चीज़ को लेकर के अंदर परेशानी भी ऐसे लोगों के रहती है। एक जो रोस्ट रेखा है यहाँ पर ये है, ये आप लाइफ में चाहे जितने पैसे कमाओ, बहुत पैसे आप भी कमाते तो भी आपको खर्च कराता रहेगा, बराबर कंटिन्यूसली खर्चों के योग लगाता ही रहेगा लाइफ में, कुछ भी करा दे लेकिन खर्च कराता रहेगा। क्या करना है आपको इसके लिए, सुबह उठ करके आप अगर 108 बार आप ओम का उच्चारण कर लें, ओम बोल बोल करके, तो आपको ये जो रेखाएँ हैं ना इनका असर आपको ऑटोमेटिक नलीफाई होते हुए दिखेगा। ये जो निगेटिव रेखाएँ इनको मैं पॉजिटिव नहीं मानता, अगर यही यहाँ पर खड़ी खड़ी होती हैं तो वो अच्छी होती, वो ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं वो तुरंत कंप्लीट होता है, निगेटिव होती हैं तो देर से होता है, साथ में परेशानी भी देता है, प्रॉब्लम में डालेगा, चिंता में डालेगा, तब जो है चीज़ें कंप्लीट होंगी। यहाँ से अगर हम देखें तो अंगूठा इन्होंने हल्का सा दबाया हुआ है, यहाँ पर एक यव का साइन आ रहा है इस तरीके से, मैंने दूसरी पिक्चर में चेक किया था, तो पैसे आप ज़िंदगी में अपने बचा ले जाओगे, पैसे आपके पास में अच्छे रहेंगे, सेविंग्स भी रहेंगी, साथ में खर्चे भी आपके बहुत रहेंगे, तो इसीलिए इन्वेस्ट कीजिएगा पैसों को, अगर अपने पास ज़्यादा रखोगे तो खर्च हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा पोर को बनाऊँ, यहाँ पर ये जो आ रही है इसको अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये वाली हमारी लॉजिक प्लेन कहलाती है, ये वाली हमारी विल पावर वाली प्लेन कहलाती है, तो ऐसे लोग खुद काम कर भी सकते हैं, दूसरों से अच्छा काम करवा भी सकते हैं, दोनों तरीके का काम कर लेते हैं। यहाँ पर कोई बॉस हो वो भी काम आपका हो जाएगा, जहाँ पर आप खुद बॉस हो वो भी काम आपसे हो जाएगा, साथ में आपकी नेचर थोड़ी डोमिनेटिंग रहेगी, ये चाहेंगे कि इनकी फैमिली में थोड़ा सा इनकी चले। एक बात आपको और बताते हैं, अंगूठा लगभग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ में, तो ये क्या बताता है, ऐसे लोग देखिए स्पष्टवादी होते हैं, अगर कोई बात होती है ना तो सीधे बता देंगे आपको, बहुत घुमा फिरा करके ऐसे लोग बात नहीं करते हैं। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस कराना चाहते हो तो आप हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मेरी फीस बहुत ही नॉमिनल है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करेंगे अब आपके थोड़ा सा पर्वतों की, कि आपके पर्वत हमें क्या बताते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मरकरी माउंट कहलाती है, बुद्ध पर्वत कहलाती है, अच्छी है मरकरी माउंट, यहाँ पर से आपको कोई भी प्रॉब्लम या तकलीफ देखने के लिए नहीं मिलेगी।
अब अगर हम देखें तो मरकरी माउंट में जो सबसे पॉजिटिव रेखाएं हैं वो ये हैं, तो ये दिखाती हैं कि इनको सबसे पहली बात तो हीलिंग टाइप की नेचर है, ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं, हीलिंग टाइप की नेचर रहती है इन, जिसको जानते हो ना जानते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको नहीं भी जानते होंगे उसका भी मदद करेंगे और जिसको जानते होंगे उसका भी मदद करेंगे, ये इनके नेचर में ही है। अगर किसी भी दुखी इंसान को, परेशान इंसान को ये देखेंगे तो ऑटोमेटिक इनका अपने आप दिल करेगा कि जब तक मदद करेंगे नहीं तब तक अपने आप ही नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं जितने भी हीलिंग टाइप के जो प्रोफेशन से होते हैं, नर्स हो गई, डॉक्टर हो गए या एस्ट्रोलॉजर हो गए, तो उनके भी हाथों में इस तरीके की आपको रेखाएँ देखने के लिए मिलेंगी। और ये क्या बताती हैं, आपको ज़िंदगी में कभी भी लिक्विड मनी का प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे आपके पास में रहेंगे, बहुत अच्छे पैसे रहेंगे आपके पास, जेब में आपके भले भी एक भी रुपया ना हो, कभी इस चीज़ को आप करके देखना, आपके पास में एक भी रुपया ना हो जेब में, फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से पैसा आ जरूर जाएगा आपके पास में। लिक्विड मनी के कारण आपका कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा, इसीलिए मैं इन रेखाओं को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये काफ़ी अच्छी मुझे रेखाएं देखने में मिली। ये इसके साथ भी ये भी रहता है कि ऐसे लोग समाज के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए करें, लोगों के लिए करें, ये भी 100% रहता है कि ये अपनी ज़िंदगी में इस तरीके के काम आसानी से करते होंगे। अब अगर हम यहाँ से देखें कि इनकी जो सूर्य की पर्वत इसको कहते हैं, तो सूर्य पर आपको कई सारी रेखाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात तो अगर कई सारी रेखाएं होती हैं तो थोड़ा सा बस डिसीजन स्किल को कमज़ोर करता है, बस थोड़ा सा डिसीजन स्किल कमज़ोर कर देगा, कन्फ्यूज़न में डालेगा। लेकिन अच्छी बात होती है, ऐसे लोगों से लोग राय लेकर भी के भी काम करते हैं, अपने लिए ऐसे लोग बस कन्फ्यूज़ होते हैं, दूसरों के लिए कन्फ्यूज़न नहीं रहता। एक बात और नोटिस कीजिएगा, इनके सूर्य से एक सूर्य रेखा बहुत अच्छी निकल रही है, ये देखिए क्या बताती है। अगर कभी भी आपको इस तरीके से सूर्य रेखा अच्छी देखने के लिए मिले, ये वन ऑफ द बेस्ट रेखा मैं इसको मानता हूँ। इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट रेखा क्यों मानता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ कि इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये दिखाती है कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, ये और इसका जो फल है इनको इस जन्म में भी मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक आपको मछली जैसा सिंबल यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोग अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या मल्टीनेशनल तरीके के जो ब्रांड्स होते हैं, अगर आप उनका काम करते हैं या जो थोड़ी सी मल्टीनेशनल चीज़ें एमएनसी से संबंधित रखती हैं थोड़ा देश विदेश से, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होता है, ये देखने में मिलता है। साथ में अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक रेखा ये जा रही है, तो आपको अपनी लाइफ में खुद की तो आप जिम्मेदारी निभाओगे निभाओगे, साथ में दूसरों की भी निभानी पड़ेगी। आपको कई सारे यहाँ पर स्क्वायर के साइन भी बनते हुए नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से, तो ये भी अच्छा है। प्रॉपर्टी आपके पास में काफ़ी रहेगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, प्रॉपर्टी आपके पास में ढेर सारी रहेगी। जब भी हम फिक्स एसेट की बात करते हैं हम हमेशा यहाँ से और यहाँ से ही देखते हैं, तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी, साथ में आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी। नॉलेज रेखा देख रहे हैं कितनी लंबी है, तो ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लाइफ में ज्ञान भी रहती है। यहाँ से जब कुछ रेखाएं इधर की ओर जाने लगे तो पिता पुत्र के बीच में संबंध, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा वैचारिक जो मतभेद होती है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। कभी कभार उनके विचार नए जनरेशन के लोग होते हैं, उनके विचार आपके विचार ना मिलें। जब भी सूर्य की तरफ से शनि पर ये रेखाएं जाती हैं तब भी आप अपने कर्तव्य उत्तरदायित्व को आप निभाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त के साथ में धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो उपाय बता देते हैं। इसमें अगर आप चाहें इस वाली फिंगर में आप एक सोने का छल्ला धारण कर लीजिए, छल्ला धारण कर लीजिए या रिंग धारण कर लीजिए, अंगूठी सोने का धारण कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश नहीं धारण कर पाते तो इसमें कॉपर का धारण कर लीजिए। कॉपर पहनने से बस इतना खराबी आता है, हरा हरा हो जाता है यहाँ पर उसका, वो छूट जाता है। इसलिए सोना अगर आप धारण कर लेते हैं उसका ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। रविवार के दिन आप धारण कीजिएगा तो आपको लाभ होगा। बाद बाकी इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेमेडी है वो मैं आपको लिख करके भेजूंगा। अब अगर हम बात करें इनके शनि पर, तो शनि पर आपको कई सारी रेखाएं इस तरीके से नजर आएंगी। ये मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, ये लोग अमीर होते हैं साथ में इतनी सारी रेखाएं, तो महंगी सी महंगी चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में खरीद पाओगे, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। यहाँ से भी देखेंगे तो एक रेखा इस तरीके से भी निकल रही है। तो ऐसे लोग कभी किसी का हक मार के पैसा नहीं कमाते, ईमानदारी से ही पैसा कमाते हैं। साथ में भाग्य रेखा भी अगर आप देखेंगे तो सैटर्न पर आ गई है, तो सैटर्न पर अगर इतनी सारी रेखाएं हों, सारी की सारी सूर्य क्षेत्र की तरफ बढ़ रही हैं, तो ये फॉरेन का कनेक्शन भी आपका बनवा सकता है। फॉरेन की ऐसे किसी न किसी तरीके से कनेक्शन रहती है लोगों के साथ में। क्या इतनी सारी रेखाएं हैं, वन ऑफ द बेस्ट होंगी, आपको ज़िंदगी में लिक्विड मनी से संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने खुद की ज़िंदगी में इतने सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर लोगे जो इनकम के होते हैं, कि वहाँ से आपको बिल्कुल पैसों से संबंधित आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक आपको इस तरीके से ये जो है इस तरीके से आपको फिश का सिंबल देखने के लिए मिलेगा। ये बहुत अच्छी मछली का निशान है, इसके भी अंदर इस तरीके से साइन बन रहा है। अभी इसका मतलब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मछली अगर यहाँ पे बनती तो ऐसे लोगों की ओल्ड एज बहुत अच्छी आती। जैसे नहीं होता कि हमने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जिम्मेदारियाँ थी सारी निभा दी, तो ये भी थोड़ा नज़र आता। जब भी मछली के अंदर इस तरीके की रेखाएँ बने तो ये तिजोरी कहलाती, मछली के भी अंदर तिजोरी, तो ये भी है। साथ में यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एक बड़ा सा स्क्वायर भी इसी फिश की सहायता से बन रहा है। तो प्रॉपर्टी आपके पास में करोड़ों की रहेगी, वहाँ की चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ रेखाएं
की सहायता से, नाड़ी रेखाओं की सहायता से यहाँ पर एपेक्स का साइन बन रहा है। कभी भी यहाँ पर अगर एपेक्स की साइन बनती है तो ये क्या दिखाता है, ऐसे लोगों के ऊपर गॉड की कृपा होती है या ईश्वर का हाथ होता है। लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम आए, जब भी आप ईश्वर को याद करोगे हमेशा वो कहीं ना कहीं से आपकी अनजान रूप से मदद जरूर कर देंगे। बात करेंगे आपके बृहस्पति की, तो बृहस्पति पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं आपको इस तरीके से जो सलेमन रेखाएं होती हैं। सबसे पहली बात तो ये लाइफ में अनसर्टेन गेन के योग आपको बहुत हैं। हो सकता है आपको आपके पिता की तरफ से बहुत कुछ मिल जाए, या तो फिर अनसर्टेन गेन जो आप काम करते हो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाए, ऐसे उनको अनसर्टेन गेन होता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपकी तबीयत भी खराब है ना तो भी आपको काम करनी पड़ेगी, बस इतना प्रॉब्लम आता है। बाद में की सलेमन रेखाएं तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पाल्मिस्ट्री किसी हीलिंग तरीके का प्रोफेशन अपनाते हैं वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट हो रही, तो ऐसुनों की आशीर्वाद भी लग जाती है। जब यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है विष्णु तिलक पर, तो ऐसुनों की दी हुई आशीर्वाद या जो सिक्स सेंस होती है वो बढ़िया रहती है। ये बात आप भी जानते हो कि आपकी बोली हुई बात सच हो जाती है। और कई सारी रेखाएं यहाँ पे भी, तो आप अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहेंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है। ये प्रॉपर्टी के भी बहुत अच्छे योग दिखाता है। तो गुरु आपका ठीक है, आप जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ आपको कभी घमंड नहीं होगी। अब बात करेंगे आपके मंगल की। मंगल उभरी हुई है, उभरी हुई मंगल है, अगेन प्रॉपर्टी का अच्छा योग है। मंगल भूमि का ही कारक होता है। यहाँ पे एक इस तरीके से भी रेखा है, ये दिखाता है कि कभी भी लड़ाई झगड़े में क्रोध जब आए आपको तो वहाँ लड़ाई झगड़े से दूर रहना। घर में, फैमिली में या फैमिली मेंबर्स में कभी ना कभी किसी ना किसी के ऊपर ज़िंदगी में पूरी में एक बार कोर्ट केस होने की खतरा रहती है। बाद में की मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मंगल आपकी अच्छी है, मंगल में किसी तरीके की समस्या नहीं है। एक रेखा आपको यहाँ से टच होती दिखाई देगी, ये दिखाता है कि थोड़ा कभी कभार आपको गुस्सा आना चाहिए लेकिन शांत भी जल्दी हो जाता होगा। मंगल से अगर हम देखें तो आपको मंगल से कुछ कुछ रेखाएं आपको आती दिखाई देंगी। ये मंगल रेखाएं कहलाती हैं, जीवन रेखा को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, तो ये अच्छी होती हैं। अगर आप डॉग को कुछ ना कुछ खिलाते हैं तो लाभ होगा। घर में अगर आप फिश का एक्वेरियम रख लें, इसका मेंटेनेंस आता है लेकिन आप कर लोगे ये बात मुझे पता है, तो आप फिश का एक्वेरियम रखना चाहें तो आप उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में आप फिश का एक्वेरियम रख सकते हैं, वहाँ से आपको लाभ होगा। शुक्र की अगर हम बात करें तो आपके शुक्र में बहुत सारी रेखाएं, तो लग्जरी में ही आपका ज़िंदगी जो बीतेगा। बुढ़ापे का आपने पूछा था, तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा बीतेगा। धन संबंधी सुख के मामले में उसमें भी आप बहुत लकी रहेंगे, क्यों, सुख हम शुक्र से देखते हैं। तो शुक्र पर जब इतनी सारी रेखाएं तो ज़िंदगी सुख में बीतता, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स का सामना अपनी लाइफ में नहीं करना पड़ेगा। अपकमिंग लाइफ आपकी अच्छी है, कई सारी रेखाएं आपको पॉजिटिव नजर आएंगी, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। ये किस मामले में है, ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम ग्रोथ, प्रमोशन, सक्सेस मिलता रहता है। यहाँ पे कभी भी अगर आपको जीवन रेखा पे ट्रायंगल के साइन मिल जाए तो ये भी दिखाता है ऐसे लोग ओल्ड एज तक जो है कमाते रहते हैं। अगर आप काम करना भी बंद कर दोगे ना तब भी आपके पास में पैसे आते रहेंगे, क्यों आते रहेंगे, इतनी सारी रेखाएं। तो अगर आप रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं बिल्कुल आप ले सकते हैं, अगर आप सेवानिवृत्ति चाह रहे हैं, थोड़ा सा आराम करना चाह रहे हैं कर लीजिए, वरना अगर आप मेरी माने तो अभी आप काम कीजिए। यह हाथ जो है आपका इस तरीके से कि लोगों की हेल्प करने वाला है, तो आप जैसे लोगों को थोड़ा सा काम करते रहना चाहिए, इससे सोसाइटी का भला होता है। अब अगर हम बात करें आपके चंद्रमा की, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको ट्रैवलिंग लाइंस बहुत मिलेंगी, तो ये फॉरेन का कनेक्शन भी है या फॉरेन की ट्रैवलिंग्स आपने की होंगी। नहीं की हैं तो आपको आगे बिल्कुल 100% योग है, मौका आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल का साइन फिर से यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। कभी भी अगर यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बनता है, इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ। क्यों मैं वन ऑफ द बेस्ट इसको मानता हूँ, ये यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रही है। राहु क्षेत्र पर अगर मल्टीपल ट्रायंगल बन जाती हैं तो पैसे आपके पास में रहेंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। देखिए एक रेखा इस तरीके से जा रही है, एक ट्रायंगल तो आपको ये बना, एक ट्रायंगल तो आपका यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, उसके बाद में एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बन गया, तो तीनों कोऑर्डिनेट पर तीन ट्रायंगल आपको दिख गए होंगे, ठीक है, इतना आपको आया समझ में। ये थोड़ा सा मुझसे पहले मैं ऐसे बना लेता हूँ, मुख्य ट्रायंगल ये एक इस तरीके से जा रही, ये आपका हो गया मुख्य ट्रायंगल। इसके बाद में इसमें भी इस तरीके से ट्रायंगल बने, तो ये लक्ष्मी नारायण योग है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। अभी तक ये मेरी पूरी किताबों में ही मैंने पढ़ा था, ये आपका पहला ऐसा हाथ है जिसमें मैं ये देख रहा हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट है। पैसों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके पास में हमेशा रहेंगे। एक बात आपको और बताते हैं, ज़िंदगी में आपने जो बनाया होगा ना अपने दम पे बनाया होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, तो ऐसे लोग सब कुछ अपने दम पे, अगर चम्मच भी लेते हैं ना तो वो भी अपने दम पे बनाते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट देगा। बात करेंगे मुख्य रेखाओं की, मुख्य रेखाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपकी हृदय रेखा अच्छी है, बनावट अच्छी है, लेकिन इमोशनल सेटबैक, लोगों के द्वारा दिए गए ताने अच्छा करने के बावजूद दिल आपका अच्छा है ना तो क्या होता है, लोग दिल भी दुखाते हैं, फ़ायदा उठाने के बाद में उल्टा जो है अगर कुछ गलत होता है तो उसका ब्लेम दे देते हैं। अच्छी बात है, विष्णु तिलक की सिंबल है, आप कई चीज़ों में लेट जरूर हो सकता है लेकिन आपको लाभ अच्छा होगा। यहाँ से देखेंगे तो एक आपको ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, तो ट्राइडेंट का भी साइन है, विष्णु तिलक भी है, ट्राइडेंट भी है, वन ऑफ द बेस्ट है। ऐसे लोगों के ऊपर गॉड की जो कृपा होती है, इस साइन को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। आपके हाथ में काफ़ी मुझे लकी साइन देखने के लिए मिले, यहाँ पर ये वाला मुझे देखने के लिए मिल गया, यहाँ पर ये ट्राइंगल का साइन, त्रिशूल का इसको बोलते हैं, ये मुझे देखने के लिए मिल गया, यहाँ पर मछली का निशान देखने को मिल गया। अच्छा है, आपके लिए बेटर है, अच्छा रिजल्ट आपको देगा, चिंता नहीं कीजिए।
यहाँ से देखें तो बचपने में कष्ट उठाए हैं, बुरे दिन देखे हैं ज़िंदगी में। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसे इन्होंने बुरे दिन ज़िंदगी में देखे हुए हैं। माइंड लाइन बहुत लंबी है, लंबी माइंड लाइन हो तो परमानेंट तरीके की काम, सरकार से जुड़ाव या सरकार से लाभ होता है, और ऐसे लोगों को काम जो होती है वो परमानेंट ही करना चाहिए, वहीं से आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो सूर्य भी यहाँ से इसी तरीके का योग आपका दिखाता है। तो अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है नहीं, देखिए तो अभी आप सिर्फ 54 के ही हैं, तो अभी आप काम कीजिए, आपके काम करने से लोगों का और सोसाइटी का भला होगा, तो इसी के लिए आपको काम करते रहना चाहिए। अगर आप रिटायरमेंट ले लेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइंड लाइन से आपको कुछ कुछ रेखाएं ऊपर भी उठती नजर आएंगी, तो बिज़नेस भी कर सकते हैं आप। ऐसे लोग बिज़नेस माइंडेड भी होते हैं, काफ़ी अच्छी माइंड रहती है बिज़नेस में, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आता है। बस अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अगर आपको टेंशन लगती है, मेडिटेशन कर लें आप, मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। 10 मिनट भी अगर आप मेडिटेशन कर लें बस इतना ही बहुत है। अब अगर हम बात करें आपकी जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा आपकी अच्छी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस यहाँ पे जो दीप का निशान आ रहा है यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, 57 तक अपना आप बस ध्यान रखिए, आगे जो अपकमिंग है आपके लिए बेटर है। क्यों बेटर है? ट्रायंगल के साइन अगर बन जाते हैं तो किसी भी तरीके की जो निगेटिविटी होती है उसको दूर जरूर कर देते हैं और फॉरेन से कनेक्शन दिखा देते हैं। यहाँ पे एक रेखा कभी भी जीवन रेखा से, फॉरेन का अगर आप वीज़ा वगैरह ट्राई करते तो आपको मिल जाता, आसानी से मिल जाता, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आती। अब अगर हम भाग्य रेखा की आपके बात करें तो भाग्य रेखा की एक ब्रांच तो यहाँ से निकल रही, शटन पर पहुँच गई, एक ब्रांच इसमें ये निकल रही है और ये वाली रेखा यहाँ से जा रही, तो थोड़ा बहुत ये मानसिक कष्ट जरूर देती लाइफ में, किसी न किसी चीज़ का चिंता जरूर लगा रहता है, लेकिन अच्छा रिजल्ट देती, धन के आगमन आपके हमेशा अच्छे रहेंगे, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक लूप ऑफ नेचुरलनेस है, तो इनको थोड़ा सा प्राकृतिक प्रेमी होंगे ये, पशु पक्षी जीव जंतु, नदी तालाब पहाड़ झरना, घरे घास के मैदान खेत, ये सब आपको ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ पर थोड़ा शांत वातावरण हो, तो ऐसा भी यहाँ से समझ में आता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी साइन यहाँ पर भी इस तरीके से बन रही, मछली का निशान, ये भी फॉरेन की कनेक्शन को दिखाता है। टोटल जो है आपका फॉरेन का कनेक्शन अच्छा होता है लाइफ में, ऐसे में अच्छी रिजल्ट आपको मिलनी चाहिए। तो जो थोड़ा सा आपके उल्टे हाथ की बात कर लेते हैं, फिर एक बार हम आपके प्रश्नों को फिर से देखेंगे। अगर हम आपके उल्टे हाथ की बात करें तो यहाँ पर भी निगेटिव रेखाएं, तो या तो लाइफ में अननेसेसरी खर्चे रहते हैं या तो फिर घर में यूजलेस चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो शॉपिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको मरकरी में कई सारी रेखाएं नजर आएंगी, तो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगा, उसी चीज़ आप चिंता मत कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत कीजिएगा, यहाँ पर जब भी दीप के निशान आते हैं तो जिसका भला करोगे वो तो चीटिंग करेगा ही करेगा, साथ में ऐसे लोगों को लोग धोखा भी दे देते हैं, जैसे अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया तो वो आदमी आपको धोखा भी दे सकता है, तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में काम करने के लिए मना करता हूँ, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है आगे से। और क्या करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिएगा, अगर ये साइन आते हैं तो ऐसे लोगों को उम्र बढ़ने के साथ में थोड़ा सा मधुमेह या डायबिटीज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य इनकी यहाँ से ठीक नजर आएगी, हल्की सी दबी हुई है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक सोने का रिंग पहनने के लिए कहा था, सोने का आप रिंग धारण कर लीजिए तो आपको लाभ होगा। यहाँ से नॉलेज रेखा अच्छी निकल रही है, तो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। सूर्य से सूर्य रेखा है लेकिन हल्की है, तो जिस लेवल का काम है, जिस लेवल की मान सम्मान होनी चाहिए उसमें हल्का सा कमी करता है, इसीलिए थोड़ा सा इसका उपाय आप करिएगा। यहाँ पर मछली का सिंबल, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट, करोड़ों में आपको पहुँचा देगी, इसने आपको ऑलरेडी करोड़ों में ही पहुँचा दिया है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो भाग्य रेखा इनकी यहाँ पर इस तरीके से आ रही, कई सारी रेखाएं ऊपर हैं, कई सारी रेखाएं ऊपर होने की मतलब होती है पैसे कई माध्यमों से आते हैं, या तो फिर घर में कमाने वाले कई सारे लोग हो जाते हैं, जैसे मकान है तो वहाँ से किराए से आए, ज़मीन है तो खेती से आए, जॉब है तो जॉब से आए, या कुछ और आप करते हो तो वहाँ से आए, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। यहाँ पे देखेंगे ना तो फिंगर्स के बीच में गैप यहाँ पे ज़्यादा है, ये खर्चे आपको, जैसे मैंने आपको बताया था आप चाहे जितना कमाएं लेकिन आपके खर्चे भी बहुत होंगे लाइफ में, तो खर्चों के योग भी अच्छे हैं। यहाँ से अगर हम आपके देखें तो बृहस्पति अच्छा है, तो स्वाभिमानी होंगे आप कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पसंद करेंगे, ऐसे लोगों की नेचर जो होती है स्वाभिमानी रहती है। अब अगर हम आपके थोड़ा मंगल की बात करें, मंगल को अगर हम चेक करें तो ये होती है हमारी आंतरिक मंगल, इससे अगर आप एक रेखा बिल्कुल सीधे खींच देंगे बाहरी मंगल कहलाती है। आंतरिक मंगल पर ये इस तरीके से रेखा आ रही है, ये क्या होता है, इसमें थोड़ा सा आप अपने मन का तो जरूर करते हैं लेकिन ये मांगलिक होने का भी थोड़ा प्रतीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक आपको स्टार जैसी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसको मैं अच्छा मानता हूँ, इसको मैं क्यों अच्छा मानता हूँ, ऐसे लोग ज़िंदगी में अपने निर्माण कार्य जरूर कराते हैं, कोई ना कोई तरीके का कुछ मकान बनवाना, उसमें कुछ सहयोग करना या अपना खुद का कुछ ना कुछ बनाना, तो ये थोड़ा सा हमें समझ में आता है, ऐसे लोगों के द्वारा निर्माण कार्य में सहयोग भी दिया जाता है। बाहरी मंगल देखें तो ये भी ठीक है, कुछ कुछ रेखाएं इधर आ रही हैं, तो थोड़ा बहुत अगर विवादित प्रॉपर्टी हो तो उसको खरीदने से बचिएगा, वरना कोर्ट केस वगैरह का चक्कर लगाना पड़ता है। बाद में कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक रेखा ऐसे कभी भी क्रॉस का साइन यहाँ पे आए तो ससुराल से बहुत ज़्यादा लाभ हो, बहुत ज़्यादा वहाँ से मिल गया हो, तो यहाँ से भी ऐसा हमें नहीं नज़र आता है। अब अगर हम बात करें, ज़्यादातर चीज़ें आपने खुद बनाई हैं, ये इस तरीके से हो ना, ज़्यादातर चीज़ें ऐसे लोग खुद बनाते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी शुक्र यहाँ पर हल्की सी कमज़ोर पड़ रही, जबकि दाएं हाथ में बहुत अच्छा शुक्र था, कुछ कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अगर आप जो दही रहती है
और दही का पहली बात तो शुक्रवार के दिन आप सेवन कीजिए, दूध और दही का सेवन कीजिए, साथ में खीर बना करके खुद भी खाइए, अपनी वाइफ को एक ही पात्र में अगर आप दोनों लोग खाते हैं तो लाभ होगा। साथ में जो लड़कियां होती हैं, छोटी कन्याएं होती हैं जिनको कहते हैं, उनको भी अगर आप खीर खिलाते हैं और उनके पैर छू करके उनको कुछ धन दे दिया करिए शुक्रवार के दिन, तो आपको वहाँ से लाभ देखने के लिए मिलेगा। बाद में कि इसका एक और है, अगर आप चीनी देते हैं, शक्कर जो होती है, शक्कर भी अगर आप दान कर देते हैं शुक्रवार के दिन, भले ही एक कटोरी दे दीजिए जरूरतमंद को, दे दिया करिए, तो आपको वहाँ से लाभ होगा। कुछ कुछ रेखाएं आपको इस तरीके से नजर आएंगी, यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरीके से हैं, तो टाइम टू टाइम ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी ज़िंदगी में अच्छा मिलता रहता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो एक काइट जैसा फॉर्मेशन है, जीवन रेखा पर अगर काइट बन जाती है, इसको पतंग का फॉर्मेशन बोलते हैं, अच्छा होता है, ऐसे लोगों की ज़िंदगी अच्छी लग्जीरियस ही बीतती है, बुढ़ापा सबसे अच्छा बीतता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक आपको स्क्वायर का साइन देखने मिलेगा, तो ऐसे लोग क्या होता है ज़िंदगी भर प्रोटेक्टेड रहते हैं किसी ना किसी चीज़ से, कोई भी मुसीबत आए बाधा आए ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिकती। यहाँ से अगर हम बात करें तो कोई भी रेखा अगर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा बट जाए तो ये ज़िंदगी में टेंशन देता रहता है, थोड़ा बहुत हर 6 महीने में कह लीजिए, साल भर में कह लीजिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगा के रखता है, इसीलिए थोड़ा सा आप ओम का उच्चारण कीजिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ट्रैवलिंग्स आपने बहुत की हैं ये थोड़ा नज़र आता है। बात करेंगे अब आपकी मुख्य रेखाओं की, कि आपकी मुख्य रेखाएं हमें क्या बताती हैं। सबसे पहले हार्ट हृदय रेखा, आपकी हृदय रेखा में डिस्टर्बेंस है, इतनी आपको ध्यान रखनी, कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिएगा, वहाँ से आपको वो आदमी आपको धोखा दे सकता है। हृदय रेखा आपकी अच्छी है, इस तरीके से जा रही है, एक ब्रांच इसमें ये निकल गई, तो विष्णु तिलक का सिंबल है। खाने पीने से बचिएगा, शराब वगैरह मत पीजिएगा, तो आपको वहाँ से लाभ होगा। माइंड लाइन अगर हम आपकी चेक करें तो इसमें फोर्क है, फोर्क माइंड लाइन हो तो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, कई सारे कामों को एक साथ कर सकते हैं, ये खासियत होती है। ऐसे लोगों के अंदर कुछ ना कुछ शेर व शायरी करने की, लिखने की भी आदत होती है, कुछ अच्छी बात होती है तो उसको लिखना भी पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने डायरी लिखते भी देखा है, ये अच्छी है। अगर आप अपनी हॉबी को भी अपना मेन प्रोफेशन बना लें तो वहाँ से भी आपको लाभ होगा। माइंड लाइन में आपके कोई प्रॉब्लम नहीं, माइंड लाइन से जब भी रेखाएं ऊपर आती है ना तो ऐसे लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी होते हैं, तो ये भी थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ, लेकिन ये कुछ कुछ रेखाएं ये जो नीचे से काटती हैं ये दिखाती हैं कि आपको ज़िंदगी में टेंशन का भी सामना करना पड़ा है, इसीलिए अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो आपको लाभ होगा। बाद में कि इसका कोई बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर जीवन रेखा की बात करें तो शुरुआत में आपने स्ट्रगल किया है क्योंकि खुरदुरी है, उसके बाद में ऐसे तरीके से आ रही है, तो यहाँ से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एक रेखा इस तरीके से इसमें टच होकर ऐसे आगे बढ़ रही है, ये दिखाता है कि आपको घर से दूर, घर से बाहर काम या जॉब करना चाहिए, जन्म स्थान से दूर, तो वहाँ पर लाभ होती है। साथ में मनी की जो स्थिति है अच्छी है, यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो इसको मनी ट्रायंगल बोलते हैं, ये वाली जो बन रही है मनी ट्रायंगल भी आपका यहाँ से कंप्लीट बन रहा है, तो मनी ट्रायंगल भी कंप्लीट है यहाँ से, इंटरनल पोजीशन भी आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से लॉक है, तो पैसे और बैंक बैलेंस जिंदगी में आपके पास में सब कुछ रहेगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। भाग्य रेखा अगर मैं आपके देख लूँ, जीवन रेखा में यहाँ से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आता, उल्टा यहाँ से आपको जो आपकी आयु चल रही 54 के आसपास में, ये भाग्य रेखा की स्टैंडिंग ही यहीं से, तो हो सकता है अगले साल आप कुछ अच्छा करें, आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई हो सकता है आपका कुछ चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा भी नज़र आता है। यहाँ पर एक त्रिकोण की भी स्थिति बन रही है, ये उसके नीचे भी एक त्रिकोण, ये अच्छे साइन है आपके हाथ में, काफ़ी पॉजिटिव साइन है। भाग्य रेखा अच्छी है आपकी, इस तरीके से जा रही है, और ये यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मछली का साइन, इसको यव का साइन मत समझना, ये फिश का सिंबल है, इस तरीके से बन रही है। कभी भी अगर भाग्य रेखा में इस तरीके से फिश का सिंबल बने ये भी अच्छा है, ऐसे लोग लाखों में भी कमाते हैं, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अब एक बात और नोटिस कीजिएगा, भाग्य रेखा आपकी इस तरीके से जा रही है और ये बृहस्पति पर चली गई, तो आप ज़िंदगी में सेटिस्फाइड रहोगे कि आपने अच्छी तरीके से पैसा कमाया है, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ से देखेंगे तो कुछ कुछ रेखाएं ये हैं, तो क्या होती है बिज़नेस में भी आपकी जाने का मन करेगा, या तो फिर आप एक सफल बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट सरकार से भी लाभ दिखता है, कई सारे कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट हैं, तो पैसे और बैंक बैलेंस आपके पास में अच्छा रहेगा। हाँ, सूर्य जब थोड़ा सा दबा होता है तो चिंता रहती है, पुत्र हो चाहे कोई भी हो उनकी चिंता बनी रहती है, तो थोड़ा सा यहाँ से हमें देखने मिलता है। साथ में कुछ रेखाएं यहाँ से भी निगेटिव जा रही हैं, तो इमोशनल सेटबैक अपने लोगों से भी मिलता है, उनके साथ अच्छा करो तो भी वो समझते नहीं है बात को, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ से समझ में आता है। अब मैं आपके थोड़ा सा प्रश्नों को फिर से लूँगा, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए यव की साइन बिल्कुल क्लियर कट है, तो पैसे आपके पास में रहेंगे, धन के मामले में लकी रहेंगे। निगेटिविटी यहाँ पर ये है, ये बहुत निगेटिव है, तो ये खर्चे आपके बहुत करवाएगा, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के पैसे खर्च होते रहते हैं, या मन में कोई ना कोई दिक्कत तकलीफ आती है, तो ऐसा भी समझ में आता है। शिप का निशान है, आप अपनी फैमिली को बहुत चाहेंगे, फैमिली से बहुत प्यार करेंगे और अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में करेंगे भी। अंगूठा भी आपका पिंक कलर का है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट ही ये देगा। यहाँ से भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी आपको शिप का निशान नजर आएगा, ये भी दिखाता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे, ये निगेटिव रेखा है। पैसे आप कमाएंगे तो बहुत, लेकिन आपको खर्च भी बहुत होगा, पैसा आपका खर्चा भी बहुत होता है। थोड़ा सा इनके पैरों की रेखाओं की बात करें तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से एक जो
ट्राइंगल का साइन है आपको यहाँ से कंप्लीट दिखेगा और एक साइन ये है। तो लाइफ में आप कहाँ कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको इज्जत मान सम्मान ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप मिलेगा। इसके बाद में ये रेखाएं ऊपर जा रही है, ये देखिए क्या बताता है, ये दिखाता है कि इनके ज़िंदगी के कर्म अच्छे हैं। कर्म जब अच्छे होते हैं तो ऐसा भी बोला जाता है आप जिस भी कुल देवता की उपासना करते हैं आप उन्हीं को लास्ट में जा करके प्राप्त होते हैं, तो ऐसा भी समझ में आता है। कुछ कुछ रेखाएं इधर से भी, ये थोड़ी सी फैमिली के टेंशन को यहाँ से नज़र आती हैं, कुछ ना कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। उल्टे अगर पैर की बात करें तो ये देखिए लंबी लंबी रेखाएं हैं, साथ में यहाँ पर एक स्टार का फॉर्मेशन भी, ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे लोगों को नेम फेम प्रसिद्धि इनके काम के द्वारा मिलती है। यहाँ पर देखेंगे तो अगेन ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल का साइन है तो ऐसे लोगों के द्वारा कभी कभार धार्मिक कार्य भी या कुछ निर्माण कार्य भी ऐसा कराया जाता है जिससे कि लोग इनको याद रखें। यहाँ पर एक ही निगेटिव रेखा है, निगेटिव रेखा है क्या होता है, जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उनमें से कई सारी चीज़ें रह जाती हैं, नहीं हो पाती हैं। कुछ कुछ यहाँ से भी हैं, ये अच्छी है, ये लाइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अब मैं आपके प्रश्नों को लूँगा, आगे का समय स्वास्थ्य सुख और धन के लिए कैसा है। धन आपके पास में अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ का, एक्सरसाइज अगर आप करें तो लाभ होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से आप संपर्क कीजिएगा। सुख आपको मिलेगा 100% मिलेगा। संतान कैसी रहेगी, हमारे संबंध सूर्य आपका ठीक है, सूर्य जब अच्छा होता है तो सूर्य देखिए देने वाला होता है, रोशनी सबको दे देता है, वो कभी किसी से कुछ लेता नहीं है, तो संतान के प्रति आपकी चिंता थोड़ी सी रह सकती है। सूर्य से कई सारी रेखाएं मैंने शैटर्न पर जाती दिखी थी, तो वैचारिक मतभेद कभी कभार हो सकता है, बाद में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं दिखता। वृद्धावस्था आपकी बहुत अच्छी बीतेगी, किसी किया नौकरी छोड़ने का योग है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जॉब छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब ना छोड़ें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, समाज के लिए भी बेटर है वो। अध्यात्म में आगे बढ़ने की क्या संभावना है, बहुत आगे बढ़ने की संभावना है, वहाँ पर आपको दिक्कत जब आप उसमें एंटर करोगे ना आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो ये थी आपकी पाम की लाइसेंस, कोशिश की कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूं, फिर भी अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाए आप हमें कॉल कर लीजिएगा, उपाय सारे हम आपको हाथों से लिखकर भेजेंगे। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं ईश्वर दूर करें और आपका जीवन खुशियों से भर दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना हम प्रॉमिस जरूर करते हैं, अगर आप मेरे वीडियोज़ ही देखते हो हस्तरेखा देखना मैं आपको सिखा दूंगा। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।